टॉपिक है हाँ भाई, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रेशन। इस डिटरमिनेंट शब्द का मतलब पता आप लोगों को क्या है? निर्धारक, यानी कि आक्रामकता के ये निर्धारक। ये जो निर्धारक वाला शब्द है इसका मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करेगा या नहीं। इससे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय पारंपरिक साहित्य में इसकी किस तरह से चर्चा की गई है। मुख्य रूप से स्वामी ग्रंथ की बात हम करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस आक्रामकता को बजाय दिखाने के अगर इसको मैनेज किया जाए, अपने आप से इसका प्रबंधन किया जाए तो वो ज्यादा उपयोगी होती है। आप समझ गए ना इसका मतलब क्या है? इट इज मोर बेनिफिशियल इफ यू मैनेज योर एग्रेशन इरिस्पेक्टिव व्हेदर यू मैनिफेस्टेड। मतलब कहने का क्या पर है कि आपके अंदर उपजी हुई आक्रामकता को मैनेज करो, उसका प्रबंधन करो, कहीं और उसको लगाओ बजाय को डिस्ट्रक्शन करने। अगर मान लिया जाए बच्चों के अंदर ये आक्रामकता है तो बजाय उसको गेम में डालो ताकि जो एनर्जी उसकी है, एनर्जी का चैनलाइजेशन बोलते हैं, यही स्वामी जी का हमारे पारंपरिक इतिहास में पारंपरिक साहित्य में इसी बात पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार हम अपने अंदर जो उपजी आक्रामकता है उसको मैनेज करना फार फार बेटर है, उसका ज्यादा उपयोग है। बात समझ आगे आपको, ये हम चर्चा शुरू करते हैं। इसे अब हम शुरुआत करते हैं इसके कौन कौन से निर्धारक, यानी इसको कौन कौन से निर्धारक यानी क्या क्या फैक्टर है इसके जो ये बताते हैं कि इनके कारण व्यक्ति अग्रेसिव बिहेवियर करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहला है सामाजिक, कौन सा है? सोशल डिटरमिनेंट। दूसरा आपका आता है इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय, क्या है? पर्यावरणीय। तीसरा आपका आ जाएगा परिस्थिति परक, लिख लो आप, लिखना है तो आपको परिस्थिति परक। और चौथा आपका आ जाएगा व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल। समझ गया भाई, चार है, चार मुख्य रूप से निर्धारक है इसके। फर्स्ट इज योर सोशल, सेकंड इन्वायरमेंटल, फर्स्ट हमारे पास क्या जाएगा सोशल है, सेकंड क्या जाएगा बोलो आपने बताया ना इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, तीसरा बताया पर्सनल, पर्सनल या सिचुएशनल, सिचुएशनल है व्यक्तिगत नहीं मैंने बताया, परिस्थिति परक, तीसरा क्या है सिचुएशनल, और चौथा बताए पर्सनल व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल। ये चार ऐसे कारक हैं यानी डिटरमिनेंट हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति आक्रामकता करेगा या नहीं करेगा। इसके एक एक करके दो चार पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं और ज्यादा मुश्किल नहीं, आपको आसानी लगेगा। अब आप देखेंगे कि सोशल में क्या है, जो सामाजिक स्थितियां होती है, पहले आप ये देखें, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं, अवलोकन की बात करते हैं, देखकर सीखने की बात करते हैं। किसने दिया था कंसेप्ट ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग का? एक बार बता सकता हूं, बहुत बार डिस्कस नहीं करता हूं आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लो बताओ आप कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और बोबोडोल एक्सपेरिमेंट भी किया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अल्बर्ट बंडूरा। आप ये बात याद रखो क्योंकि ये कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जो कि साइकोलॉजी की नींव है, आधारशिलाएं हैं। तो ये कहते हैं कि जो सोशल पॉइंट है, जो सोशल इंटरमेंट्स है, उसमें पहली बात ये आती है कि व्यक्ति ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के माध्यम से सीखता है। ये कैसे सीखता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये कैसे है? अगर आप किसी को आक्रामक व्यवहार होता हुआ दिखाओगे क्या होगा? बार बार किसी व्यक्ति को दिखाओगे तो देखने वाले व्यक्ति के मन में भी वो भी ऐसा व्यवहार करना सीख लेगा जैसे बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में अल्बर्ट बंडूरा ने दिखाया था।
जिन बच्चों ने उस डोर को मारा था, बच्चों के सामने उसने जो डोर को मार पीट करके वो दिखाया था किस तरह से उसे अग्रेसिव व्यवहार किया था उस डोर के साथ, तो जो बच्चे वो देख रहे थे उन बच्चों ने बाहर आके जब उनको दूसरे कमरे में ले जाया गया, उस रूम के सामने डोर रखी गई, तो उस डोर के साथ उन बच्चों ने वैसे ही व्यवहार किया। यानी सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, हम ये लर्निंग से, ऑब्जर्वेशन लर्निंग से और रीइंफोर्समेंट प्रॉब्लम से सीखते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब पुरस्कार दे दिया उसको, किसी बच्चा को गलत काम करके आएगा उसे देखो हम देख लेंगे उसको ठीक, तो क्या उसको रीइंफोर्समेंट मिल गया एंड नेक्स्ट टाइम आने वाली स्थिति में फ्यूचर में भी द सेम चाइल्ड विल बिहेव अग्रेसिवली, ऐसे व्यवहार हो करें सिचुएशन में ऐसे फैक्टर चाहते हैं। एंड ये होते हैं सोशल डिटरमिनेंट्स। सोशल डिटरमिनेंट जो आप देखोगे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपके सोसाइटी है, आपकी फैमिली है, परिवार है, ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सोशल के अंतर्गत आते हैं। आप इस समझ में आएंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय। पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं पर्यावरणीय कारक, देखिए आप एक सबसे आप पहले देखेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। समझते क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं भी अग्रेशन को बढ़ाती हैं, वो भी निर्धारक है। अब उसके बाद देखेंगे आप हीट, गर्मी। गर्मी के दिनों में लोगों के अंदर अग्रेसिव व्यवहार पाने की संभावना ज्यादा होती है, ये आपने नोट किया कभी? रिसर्च भी बताती है कि अग्रेशन गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है लोगों के अंदर, और ये भी पाया गया है कि जितनी ज्यादा गर्मी होती है, जहां पर ज्यादा गर्मी पाई गई है उस समय में ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। एग्रेशन यानी कि जो इन्वायरमेंटल कारक है आपका टेम्परेचर, हीट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ योर अग्रेसिव बिहेवियर। और क्या क्या हो सकते हैं इन्वायरमेंटल में बताओ? बिल्कुल, जो इमीडिएट आपका एनवायरमेंट है, जो इमीडिएट आपका एनवायरमेंट है, आसपास का जो आपका वातावरण है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर। सोशल मीडिया है, हाँ वो सोशल का दूसरा है, आसपास का एनवायरमेंट का मतलब यहाँ पर हो गया इन्वायरमेंटल से कंसर्न वाली चीजें, पर्यावरण से संबंधित चीजें होगी उसी को हम आसपास के एनवायरमेंट की बात करें, ठीक है। तीसरा सिचुएशनल, सिचुएशनल क्या पता आपको, परिस्थिति फर्क। कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जिन स्थितियों में व्यक्ति अग्रेसिव हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्टडिंग इन अ क्लास, आप क्लास में पढ़ रहे हैं ठीक, और क्लास में पढ़ते पढ़ते यू आर सो सिंसियर स्टूडेंट, और जो सामने टीचर है उसने कह दिया भी आप यानी कि आप सो रहे हैं, खड़े हो आउट, तो हो सकता है कि आप टीचर के सामने तो जवाब ना दो लेकिन मन ही मन गुस्सा तो आएगा, मत इतना पढ़ भी ज्यादा जगह हो गया सर ने कैसे कह दिया। सिचुएशनल एक ऐसी स्थिति आ गई, आप दूसरा देखोगे घर में आप जाते हैं समटाइम्स समटाइम्स योर मदर्स मूड इज नॉट गुड, सिचुएशनल होता है ना, मम्मी का जो मूड है आज सही नहीं है, और आपने जाके कुछ छेड़ दिया उस बात कह दी तो बस हो गया शुरू है ना, दीजा सिचुएशन। अब उनका मूड सही क्यों नहीं है, देर इज सर्टेन फैक्ट, कोई कोई परिस्थिति पर कारक रहा होगा, कोई कोई ऐसी स्थिति रही होगी जिसके कारण से उनका मूड आज सही नहीं है, तो देर इज अ सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड, एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो रखी है जहां पर आपका जो बिहेवियर है दैट बिकम्स अग्रेसिव, आप अग्रेसिव। कोई और एग्जाम्पल बताओ, रोज एग्जाम्पल आप देखते हो मार्केट से गुजर रहे हो आप ठीक, आराम से आप चल रहे हो फोन पे बात कर रहे हो, कोई आप फोन छीन के भाग गया आपका, आप फोन में बात कर रहे हो इतना फोन पकड़ा यहाँ पर बाइक वाले दे दो और लेके भाग गए, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप, यू विल बिकम अग्रेसिव, भागोगे चिल्लाओगे पत्र मिलेगा तो वो भाग, देख सिचुएशन आ गई ना ऐसी। उसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल है, यू आर कमिंग टू कॉलेज आराम से ना धोके आए हो, ट्रक वाला आया और कीचड़ में से निकाल लेगा और आपके ऊपर छिट्टे पड़े, हाउ विल यू फील, कैसा लगेगा आपको, अब ना इधर के ना उधर के, यू विल हैव अ सिचुएशनल फैक्टर्स जो है आपके हैं, सिचुएशन भी ऐसी परिस्थिति पर कार्य भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं आई समझ में आपको, ये पृथ्वी पर कारक थे।
और लास्ट हम देखते हैं पर्सनल। एग्रेशन जो है व्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति में पाया जाता है, चाहे किसी में थोड़ा होता है किसी में ज्यादा होता है। आपने नोट किया ये, आप भी कभी एग्रेसिव हुए होंगे, आक्रामक व्यवहार कभी किया है? रोज ही करते हैं, हाँ रोज ही करते हैं। अगर आपको आक्रामक व्यवहार नहीं देखा है आपने तो लगभग किया होगा आपने भी, तो ऐसे आपको पता है कि आक्रामक व्यवहार सही नहीं है फिर भी हम करते हैं, है ना। सभी करते, सारे के सारे, कोई भी हो चाहे कितना बड़ा कोई भी कंट्रोल वाला हो आक्रामक व्यवहार कर ही देता है। तो उसके कारण क्या है, जरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ आपकी ब्रेन इंजरी हो जाए, कोई आपको चोट लग जाए, पर्सनल कारण होगी ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, आप बैठे हो कई बार, या बैठे के आप छोटा सा एग्जाम्पल लिए, आप बाइक चला रहे हो तेज स्पीड, या स्कूटी चला रहे हो, लड़कियां चलाती है हेलमेट तो लगाते ही नहीं, तब लगाते जब पुलिस खड़ी हो सामने आपकी, और आप लोग चलाते चलाते आप देखोगे आपके मुंह पे कोई तेज मक्खन या मक्खी लगती है, कितना गुस्सा जाता है। इसी तरह से कोई साइकोलॉजिकल रीजन आपका हो, स्ट्रेस है आपके अंदर, कोई टेंशन आपके अंदर क्रिएट हो गई है, या मेंटल डिसऑर्डर किसी के अंदर है, दे विल हैव ग्रोथ प्रोग्रेस। तो समझ आ गया। तो हमारे पास ये पर्सनल रीजन, बायोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं, दैट कम्स अंडर योर पर्सनल। तो चार मुख्य रूप से फैक्टर्स है हमारे निर्धारक इसके, सबसे पहला क्या है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे चार निर्धारक थे किसके, एग्रेशन। इसके बारे में कोई प्रश्न आपका, एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट क्या है, जो नेचुरल एनवायरमेंट की बात करते हैं वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एग्रेशन का। जैसे आप खड़े हैं यहां पर, दोस्त दूसरे खड़े हुए हैं, और कुछ नहीं किया आपने और गाय ने पीछे जाके टक्कर, धड़ाम से आपको, दैट इज ऑल्सो नेचुरल एनवायरमेंट। हाउ विल यू फील इन दैट कंडीशन, कैसा हो, अग्रेसन, हमारे अंदर एक गुस्सा था, तो मेरे को क्यों, है ना, अभी मैंने तो कुछ नहीं किया, पीछे से घटना हुई थी हमारे गांव में, वो एक लड़का जो था उसके पास चार पांच रोटी ले रखी थी, उसको उस पर दानी को देखे हुए आपने ना, चीटी काटर डालेंगे, मछलियों को खिलाने जाएंगे, कुत्ते को डालेंगे, गाय को ले जाते, उन्हें चार पांच रोटी ले रखी थी, तो पहले गाय मिल गई, सुबह सुबह की बात है, उसके घोड़े गया था वो, आपसे सही लड़का था वो, तीस एक साल का मुझे आपसे तो बड़ा, आपसे थोड़ा सा बड़ा लगा था, 22-23 साल का, उसने गाय को रोटी दे दी, ठीक है, और सिर पे हाथ लगा दिया जैसे लोग करते हैं, ठीक है, और चल दिया। जैसे ही चला गाय ने सींग उठाया, धड़ाम उठा के पटक दिया, उनके क्या हुआ, उसका चोट लगी धड़ाम से और गिर गया, और रोटियां गई इधर, गाय रोटी खा ली, गाय चल दी। हमने और अच्छी तक कंडीशन, आप इतने दानी पड़ रहे हो तो उसको दिखा दो ना, पांच रोटी ले घूमेगा उसको तो सारी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। हीट, हमने गर्मी की बात की, समझाइए आपको बात, हीट आर द एनवायरमेंट फैक्टर विच हैव एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन अग्रेशन, एंटरटेनमेंट पर मतलब उसे बहुत बड़ा उसको अग्रेशन पर काफी प्रभाव डालते हैं। और कोई प्रश्न आपका किसी साल इससे संबंधित, इससे संबंधित वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको लिंक मिल भी गया होगा, नहीं मिला होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन कोई है?